तो स्वागत है दोस्तों आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल जम्मू तक में। मैं आया हूँ हीरानगर में और इस जगह पे हम कुछ स्टूडेंट से बात करेंगे और उनका रिएक्शन देखेंगे और उनसे पूछेंगे कि अगर उनको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए या प्रधानमंत्री बन जाए तो वो क्या काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों पूछते हैं हम कुछ स्टूडेंट से और उनका रिएक्शन देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम दिव्यांग खजूरिया है। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपको अचानक से पीएम बना दिया जाए, प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो आप क्या क्या काम करना चाहोगे? सर, जहां का मेन फैक्टर रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट के कुछ ऐसे काम करेंगे जो एम्प्लॉयमेंट भी दे हमारे यूथ को, और जहां का मेन काज वो भी है पॉवर्टी बहुत है सर। फिर जहां पे जो आजकल नया ट्रेंड चला है कि जो भी 370 अनुच्छेद 370 आर्टिकल है जो वो हटा दिया गया है सर, उससे भी हमें अनएम्प्लॉयमेंट पर एम्प्लॉयमेंट पर फ़र्क पड़ रहा है। तो लेकिन 370 हटने के बाद कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकती है जम्मू कश्मीर। सर डेवलपमेंट तो होगी, वो तो होगी, डेवलपमेंट तो होगी, जहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं क्लास 11। काफ़ी अच्छे विचार हैं आप। आपका नाम? नारायण मेहता। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको एक दो दिन के लिए पीएम बना दिया जाए तो सबसे पहले आप कौन से काम करना चाहोगे? मैं सबसे पहले यहाँ पे मतलब कि जो रोड्स वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह, जो मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया जो बढ़ाना चाहता हूँ, और जो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो बहुत कम हो रही है, मैं उसको एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना चाहता हूँ। मतलब कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट वगैरह उनकी सीट्स जो मतलब कि ये पार्शियलिटी करती है कि मुस्लिम को ज़्यादा ट्रेंड देते हैं और हमें हिंदुओं को कुछ ज़्यादा ही ऊपर सीधा कर देते हैं, तो मैं उस मतलब कि वो पार्शियलिटी को रिमूव करना चाहता हूँ और अपने एरिया को वो जनरेट करना चाहता हूँ। मतलब कि ग्राम सड़क योजना वगैरह सभी योजनाओं को यहाँ पे बताना चाहता हूँ। बड़ी जैसी योजनाएं ऐसी होती है कि गांव में नहीं पहुँचाई जाती, जैसे कि बेटी बचाओ, फिर लाडली बेटी, बड़ी जैसी ऐसी ऐसी योजना होती है जो गाँव में नहीं पहुँचाई जाती, ना ही कुछ बताते हैं इनके बारे में, और पैसा जो आता है वो ऐसे ही मतलब कि ऊपर ऊपर से ही चला जाता है। मैं उन सबको मतलब कि जो ब्लैक मनी है वो सबको हटा के मतलब कि कुछ अच्छा काम करना चाहता हूँ। काफ़ी अच्छे विचार हैं आपके। कौन सी क्लास में हो? सर 11। अच्छा लगा आपसे बात करके। जी भैया, आपका नाम? नीरज संगड़ो। तो भैया जी, जनता जानना चाहती है कि अगर आपके विचार जानना चाहती है जनता, अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए या कुछ दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए, आप देश के लिए क्या काम करना चाहोगे? हम लोगों के बीच में रहेंगे, उनकी समस्या को हल करना के ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, इससे ऊपर क्या कर सकते हैं। और जैसे कि महंगाई का जमाना है, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, इस पे क्या कहना है आपका? महंगाई के लिए तो कंट्रोल धीरे धीरे ऊपर तक जाएगा, एक दिन में तो हो नहीं सकेगा। वो किसानों के बीच में जाएंगे, उनको क्या समस्या आ रही है। आपका नाम? जतिन कुमार। अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या काम करोगे? एक बार बना आगे दसो, नौकरियां दवांगा, पिंड च विकास करावांगा, महंगाई घट करावांगा। अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए या कुछ दिनों के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करना चाहोगे? मैं सोच रहा हूँ अगर मुझे एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए ना, मैं भारत को साथ में आसमान पर लेके चला जाऊँगा और भारत का नाम रोशन कर दूँगा। और इसके अलावा आप क्या क्या काम करना चाहोगे? वही बताने जा रहा था मैं कि आज के ज़माने में महंगाई का दौर काफ़ी ऊपर जा रहा है, महंगाई उछाल ले रही है, महंगाई पे कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा और देश की ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करूँगा। आपका नाम? मेरा नाम मनोहर चौहान है। अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या काम करना चाहोगे? देखो, मैं तो सबसे पहले ये काला बाजारी मिटाऊँगा, जैसे मोदी जी ने की थी नोटबंदी, वैसे कुछ करूँगा और ये काला बाजारी मिटाऊँगा। देश इसकी वजह से बहुत पीछे रह गया और इसको मिटा कर देश को तरक्की दूंगा और आगे लेकर जाऊंगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना।